हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए माँ केसर देवी सीरीज पार्ट 19 करने वाले हैं। और आपको मालूम है कि माँ केसर देवी सीरीज में हम कर रहे हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर आधारित सारे क्वेश्चंस। जेम आपके सिलेबस में रखा गया है और जेम पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो चर्चा किए जा रहे हैं माँ केसर देवी सीरीज में। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं माँ केसर देवी सीरीज पार्ट 19 का पहला क्वेश्चन। 361, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर पीबीपी मेथड टू बी यूज्ड। पीबीपी पद्धति का उपयोग करने के लिए कितनी बोलियां आवश्यक है? एटलीस्ट 1 बिट, एटलीस्ट 3 बिट्स, एटलीस्ट 5 बिट्स, एटलीस्ट 10 बिट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीबीपी मेथड है वो जेम पर अपनाया जाता है। आप वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिए। पीबीपी का मीनिंग भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर पीबीपी है उसके लिए कम से कम बिट कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 5 बिट्स होने चाहिए। ये एक बिल्कुल अलग फीचर है। पीबीपी के लिए आपको क्या करना होगा? कम से कम बिट रखनी होगी, 5 बिट्स रखनी होंगी, यानी कि 5 बिडर्स हैं कम से कम होने चाहिए पीबीपी अगर आप कर रहे हैं तो। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, एटलीस्ट 5 बिट्स। देख लेते हैं अगला सवाल 362। व्हाट हैपेंस इफ लेस देन 5 बिट्स आर रिसीव्ड फॉर ए पीबीपी प्रोक्योरमेंट। यदि किसी पीबीपी खरीद के लिए 5 से कम बोलियां प्राप्त होती हैं तो क्या होगा? द प्रोक्योरमेंट इज कैंसल्ड, द प्रोक्योरमेंट इज पुट ऑन होल्ड, द प्रोक्योरमेंट रीस्टार्ट्स यूजिंग यूजुअल प्रोक्योरमेंट मेथड, और डी ऑप्शन हो जाएगा द प्रोक्योरमेंट कंटिन्यूज विद द अवेलेबल बिट्स। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि पीबीपी का मीनिंग भी आपको बताऊंगा। और इस पीबीपी मेथड के द्वारा अगर 5 से कम बोलियां आती हैं तो आपको क्या करना होगा? क्या पीबीपी मेथड से आप 5 से कम बोलियां प्राप्त होने के बाद में भी खरीदी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या करेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द प्रोक्योरमेंट रिस्टार्ट्स यूजिंग यूजुअल प्रोक्योरमेंट मेथड। मतलब कि पीबीपी मेथड में आपको कम से कम 5 बिड होना जरूरी है, 5 पार्टियां होना जरूरी है, 5 सप्लायर होना जरूरी है, 5 बिडर होना जरूरी है। अगर ऐसा होता है कि 5 से कम बोलियां आपको प्राप्त हो रही हैं पीबीपी मेथड में तो आपको वो प्रोसेस फिर से रीस्टार्ट करनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द प्रोक्योरमेंट रीस्टार्ट्स यूजिंग यूजुअल प्रोक्योरमेंट मेथड। अगला सवाल 363। What is the purpose of the push button procurement PBP process? मैंने आपसे वादा किया था कि PBP का फुल फॉर्म भी हम करेंगे। तो push button procurement को आप क्या बोल रहे हैं? PBP बोल रहे हैं। PBP method है वो जेम के माध्यम से आप खरीदी कर रहे हैं, तो push button procurement है ये method भी अपनाया जाता है। तो PBP short form है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? push button procurement। पुश बटन प्रोक्योरमेंट यानी कि पीबीपी प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? क्यों जेम पर ये मेथड अपनाया जाता है? टू सिंप्लीफाई द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉर बायर्स, टू ऑटोमेट द प्रोडक्ट कंपैरिजन प्रोसेस, टू रेस्ट्रिक्ट प्रोक्योरमेंट टू ओनली 10 लिस्टेड सोर्सेज, टू सेट ए सीलिंग प्राइस फॉर L1 प्रोडक्ट्स। पुश बटन प्रोक्योरमेंट यानी कि पीबीपी प्रक्रिया का उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू सिंप्लीफाई द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉर बायर्स, यानी कि बायर्स के लिए, खरीदार के लिए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कौन सा बटन शुरू किया गया है? पुश बटन प्रोक्योरमेंट है वो शुरू किया गया है। आप इस मेथड से खरीदी कर सकते हैं। तो पीबीपी प्रोसेस है वो क्यों लाया गया है? टू सिंप्लीफाई द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉर बायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 364। हाउ डज ए बायर क्रिएट ए पुश बटन प्रोक्योरमेंट नोटिस। कोई खरीदार पुश बटन खरीद सूचना कैसे बनाता है? बाय डायरेक्टली प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑन द L1 प्रोडक्ट, बाय सेलेक्टिंग ए प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट प्लेस एंड कंपेयरिंग इट, बाय सीकिंग कोटेशंस फॉर लोअर डिलीवरी पीरियड्स एंड क्वांटिटी, और डी ऑप्शन हो जाएगा बाय क्लिकिंग ऑन क्रिएट पीबीपी नोटिस आफ्टर सेलेक्टिंग द L1 प्रोडक्ट। कोई खरीदार पुश बटन खरीद सूचना कैसे जारी कर सकता है? अपने लिए पुश बटन प्रोक्योरमेंट नोटिस कैसे जारी कर सकता है, दे सकता है? क्या मेथड है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बाय क्लिकिंग ऑन क्रिएट पीबीपी नोटिस। मतलब कि आपके जो क्रीडेंशियल है वहां एक लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करके और पीबीपी नोटिस जारी कर सकते हैं। किसके लिए? L1 प्रोडक्ट के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बाय क्लिकिंग ऑन क्रिएट पीबीपी नोटिस आफ्टर सेलेक्टिंग द L1 प्रोडक्ट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 365।
What option does the buyer have when create a push button procurement notice? पुश बटन खरीद सूचना बनाते समय खरीदार के पास में क्या विकल्प होता है? टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड डिलीवरी पीरियड एट कंसाइनी लेवल, टू सीक कोटेशंस फॉर हायर डिलीवरी पीरियड्स एंड क्वांटिटी, टू डिक्रीज द क्वांटिटी एंड डिलीवरी पीरियड एट कंसाइनी लेवल, और डी ऑप्शन हो जाएगा टू सेट ए मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी फॉर द पीबीपी नोटिस। पुश बटन खरीद सूचना बनाते समय खरीदार के पास में कौन सा विकल्प होता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टू डिक्रीज द क्वांटिटी एंड डिलीवरी पीरियड एट कंसाइनी लेवल। मतलब कि आप क्वांटिटी और डिलीवरी पीरियड है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ये पुश बटन खरीद प्रक्रिया में एक ऑप्शन होता है, किसके लिए? खरीदार के लिए होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने यार दोस्तों को बताइए, लाइक बटन भी दबा दीजिए। देख लेते हैं अगला सवाल 366। व्हाट डज द पीबीपी नोटिस कंटेन? पीबीपी नोटिस में क्या शामिल है? इससे पहले हम पीबीपी का मीनिंग समझ गए थे साथियों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने समझा कि पीबीपी का ऑप्शन कैसे आता है, कैसे पीबीपी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, आप नोटिस के रूप में जारी कर सकते हैं। तो नोटिस में क्या होना चाहिए? आपके पास में क्लिक बटन होता है, कोई पीबीपी नोटिस के लिए बटन होता है तो उसको आपने क्लिक कर दिया। उस पीबीपी नोटिस में क्या चीजें होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। बिडेबल स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स एंड टेक्स्ट इनपुट पैरामीटर्स, बिडेबल स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स एंड कंसाइनी वाइज क्वांटिटी, बिडेबल स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स एंड कंसाइनी वाइज डिलीवरी पीरियड, बिडेबल स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स एंड जेम जीटीसी। पीबीपी नोटिस में क्या चीजें शामिल होती है? जो कि आपके पास में विकल्प होता है, आप अपने क्रेडेंशियल में पीबीपी नोटिस है वो बटन को क्लिक करके और नोटिस जारी कर सकते हैं। तो इस पीबीपी नोटिस में क्या क्या चीजें होती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बिडेबल स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स एंड कंसाइनी वाइज डिलीवरी पीरियड, यानी कि स्पेसिफिकेशन होता है उस नोटिस में और कंसाइनी वाइज डिलीवरी पीरियड है वो भी बताया जाता है कि आपको कितने समय में कितना आइटम सप्लाई करना होगा, ये चीजें होती है पीबीपी नोटिस में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 367। इज बंचिंग ऑफ आइटम्स अलाउड इन पीबीपी नोटिसेस? क्या पीबीपी नोटिस में वस्तुओं की गुच्छी की अनुमति है? यस नो इट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी, इट डिपेंड्स ऑन द बायर्स प्रेफरेंस। क्या पीबीपी नोटिस में वस्तुओं की गुच्छी यानी कि बंचिंग करने की अनुमति होती है या नहीं होती है? इससे पहले हम देख चुके हैं पीबीपी नोटिस में कौन कौन सी सूचनाएं होती हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, नो कोई भी अनुमति नहीं होगी, आप बंचिंग नहीं कर सकते हैं पीबीपी नोटिस के द्वारा, आप बंचिंग नहीं कर सकते। वहां पर आप बिडेबल स्पेसिफिकेशन पैरामीटर हैं उनको आप बता सकते हैं, साथ में कंसाइनी वाइज डिलीवरी पीरियड है वो निश्चित कर सकते हैं, परंतु आइटम्स की बंचिंग आप नहीं कर सकते। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 368। व्हाट इज द मैक्सिमम एस्टिमेटेड बिड वैल्यू अलाउड इन पीबीपी नोटिसेस? पीबीपी नोटिस में अनुमत अधिकतम अनुमानित बोली मूल्य क्या है? बिल्कुल ही जबरदस्त क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस प्रकार की अमाउंट के, समय के, कालखंड के, ये तो जरूर पूछे जाते हैं। तो पीबीपी नोटिस में अनुमत अधिकतम अनुमानित बोली, आप पीबीपी के माध्यम से कितने रुपए तक की बोली लगवा सकते हैं? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे ₹1 लाख, ₹2 लाख, ₹3 लाख, ₹5 लाख। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप वीडियो के साथ में कमेंट भी करते रहिए, जैसे ही क्वेश्चन आता है आप आंसर को कमेंट भी कर सकते हैं। पीबीपी नोटिस में अनुमत अधिकतम अनुमानित बोली का मूल्य क्या है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 5 लाख, 5 लाख रुपये तक का आप पुश बटन के माध्यम से परचेजिंग कर सकते हैं। तो अधिकतम बिडिंग राशि है वो कितनी हो जाएगी? 5 लाख रुपये हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 369। व्हाट एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस कैन बी इंक्लूडेड इन द पीबीपी नोटिस? पीबीपी नोटिस में कौन से अतिरिक्त नियम और शर्तें शामिल की जा सकती है? न्यू स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स, जेम जीटीसी एंड कैटेगरी स्पेसिफिक एसटीसी, इंटीग्रिटी पैक्ट एंड लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज डिक्लेरेशन, और डी ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी ओनली। पीबीपी नोटिस में कौन सी अतिरिक्त नियम और शर्तें आप शामिल कर सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बी एंड सी ओनली। यहाँ पर जेम जीटीसी आप कर सकते हैं और कैटेगरी स्पेसिफिक एसटीसी भी उसमें शामिल कर सकते हैं, इसके साथ में इंटीग्रिटी पैक्ट ले सकते हैं,
किससे ले सकते हैं, लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज के डिक्लेरेशन में आप ये चीजें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके नेबरिंग कंट्रीज है जो कि आपके पड़ोसी है, उनसे भी आप पीबीपी के माध्यम से खरीदी कर सकते हैं। परंतु उनसे क्या लेना होगा, डिक्लेरेशन लेना होगा, इंटीग्रिटी पैक्ट लेना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 370। हाउ लॉन्ग इज पार्टिसिपेशन टाइम फॉर पीबीपी नोटिसेज। बिल्कुल इमरती क्वेश्चन है, पीबीपी नोटिस के लिए भागीदारी का समय कितना है, 1 डे 2 डेज 3 डेज 4 डेज। इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो तो जरूरी पूछे जाते हैं। पीबीपी नोटिस के लिए भागीदारी यानी कि नोटिस पीरियड में आपको पार्टिसिपेट करना है तो कितना समय है वो दिया गया है, नोटिस पीरियड के लिए कितना समय दिया गया है बिडर के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 3 डेज। 3 दिन का समय दिया जाता है, 3 दिन में आपको क्या करना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आपके पास में पीबीपी नोटिस पहुंच गया है तो 3 दिनों के अंदर उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 3 डेज। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे तो लाइक बटन दबाइए और अपने यार दोस्तों को बताइए। देख लेते हैं अगले सवाल 371। व्हाट इज द ऑफर वैलिडिटी ऑफ पीबीपी नोटिस। पीबीपी नोटिस की ऑफर वैधता क्या है। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं। 15 डेज 10 डेज 7 डेज 21 डेज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 10 डेज। यहाँ पर आपको पीबीपी नोटिस है उसका वैलिडिटी पीरियड है वो कितना रखना होगा, 10 दिनों का रखना होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कि पीबीपी नोटिस किसी सप्लायर को आपने दिया है तो उसको रिप्लाई करना होगा, 3 दिनों में करना होगा। परंतु ये पीबीपी का जो नोटिस पीरियड है वो कितने दिनों तक वैलिड रहेगा, ये अलग अलग क्वेश्चन है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, 10 डेज। क्वेश्चन आ गया हमारा 372। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पब्लिशिंग पीबीपी नोटिसेज ऑन द जेम पोर्टल। जेम पोर्टल पर पीबीपी नोटिस प्रकाशित करने का उद्देश्य क्या है। टू इन्फॉर्म सेलर्स अबाउट द लेटेस्ट पीबीपी नोटिसेज, टू अलाउ एनीवन टू व्यू द पीबीपी नोटिसेज, टू एनकरेज सेलर्स टू पार्टिसिपेट इन पीबीपी, टू सेट द सीलिंग प्राइस फॉर पीबीपी नोटिसेज। जेम पोर्टल पर पीबीपी नोटिस प्रकाशित करने का क्या उद्देश्य हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू अलाउ एनीवन टू व्यू द पीबीपी नोटिसेज। बिल्कुल ही अच्छी बात बताई गई है। पीबीपी है वो जेम पर आपने पहली बार सुनी होगी, तो पीबीपी क्या चीज होती है, इस मेथड से भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। इसका मायने क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कब लाया जाता है, क्या आपके पास में विकल्प है, कितने दिनों में रिप्लाई करना होता है, क्या लिमिट है, कितने रुपए तक की आप खरीदी कर सकते हैं, बिडिंग लिमिट है वो कितनी बताई गई है, वो 5 लाख रुपए तक की बताई गई है। तो इसमें ये बताया गया है कि पीबीपी नोटिस है वो प्रकाशित करने का उद्देश्य क्या हो जाता है जेम पोर्टल पर, कि कोई भी व्यक्ति है वो पीबीपी नोटिस को देख सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 373। हाउ कैन सेलर्स व्यू द पीबीपी नोटिसेज क्रिएटेड फॉर देयर कैटेगरी। विक्रेता अपनी श्रेणी के लिए बनाए गए पीबीपी नोटिस को कैसे देख सकते हैं, बाय पार्टिसिपेटिंग इन पीबीपी, बाय क्लिकिंग ऑन ऑफर प्राइस, बाय सबमिटिंग द प्राइस एंड कंप्लायंस ऑफ टर्म एंड कंडीशंस, और डी ऑप्शन हो जाएगा इन देयर डैशबोर्ड ऑन द जेम पोर्टल। विक्रेता अपनी श्रेणी के लिए बनाए गए पीबीपी नोटिस को कैसे देख सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, इन देयर डैशबोर्ड ऑन द जेम पोर्टल। तो इससे बहुत क्लियर बातें समझ में आ रही हैं कि L1 सप्लायर है उनमें से पुश बटन नोटिस है वो क्लिक करके बायर है वो डैशबोर्ड पर क्या सूचना दे सकता है कि आप ये आइटम है वो सप्लाई करिए, इतने दिनों में सप्लाई करिए। तो ये सब चीजें हैं डैशबोर्ड में जाएंगी, किसके डैशबोर्ड में जाएंगी, सप्लायर के डैशबोर्ड में जाएंगी। पीबीपी बटन है वो किसके पास में है, बायर के पास में ही है, और सप्लायर के पास में वो कोई आइटम है जो L1 की श्रेणी में थे उन सिलेक्टेड सप्लायर को नोटिस दे सकता है, कौन सा पीबीपी नोटिस दे सकता है। और जब बायर ने ये नोटिस पर क्लिक कर दिया है तो जो भी L1 के सप्लायर थे उनके डैशबोर्ड में ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, इन देयर डैशबोर्ड ऑन द जेम पोर्टल। क्वेश्चन आ गया हमारा 374। व्हाट कंडीशंस डू सेलर्स एक्सेप्ट व्हेन पार्टिसिपेटिंग इन पीबीपी। पीबीपी में भाग लेने पर विक्रेता कौन सी शर्तें स्वीकार करते हैं, जीटीसी एंड एसटीसी, इंटीग्रिटी पैक्ट, प्राइस डिक्लेरेशन, ऑल ऑफ दी अबव। पीबीपी में अगर कोई सप्लायर भाग ले रहा है तो विक्रेता के द्वारा कौन सी शर्तें स्वीकार मानी जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। जीटीसी एंड एसटीसी,
यानी कि जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, स्पेसिफिक टर्म्स और कंडीशंस हैं, उनको स्वीकार किया हुआ माना जाएगा या उनको स्वीकार करना होगा। इसके साथ में इंटीग्रिटी पैक्ट भी उनको स्वीकार करना होगा, प्राइस डिक्लेरेशन भी उनको देनी होगी। अगर कोई कंट्री बॉर्डर लैंड एरिया को शेयर कर रहे हैं तो पीबीपी में अगर आपने भाग ले लिया तो ये सभी कंडीशंस हैं आपको स्वीकारनी होंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नया सवाल देख लेते 375। हाउ कैन सेलर्स ऑफर देयर मैचिंग प्रोडक्ट एंड प्राइस अगेंस्ट ए पीबीपी नोटिस। विक्रेता पीबीपी नोटिस के विरुद्ध अपने मिलान उत्पाद और कीमत की पेशकश कैसे कर सकते हैं? बाय पार्टिसिपेटिंग इन पीबीपी, बाय क्लिकिंग ऑन ऑफर प्राइस, बाय सबमिटिंग द प्राइस एंड कंप्लायंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, बाय सेटिंग द सीलिंग प्राइस। विक्रेता पीबीपी नोटिस के विरुद्ध अपने मिलान उत्पाद और कीमत की पेशकश कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो उत्पाद वो दे रहे हैं उनको मैच कर सकते हैं, साथ में प्राइस भी दे सकते हैं। किसके अगेंस्ट में कोई भी पीबीपी नोटिस आया है उस पर्टिकुलर सप्लायर को आया है तो वो अपने प्रोडक्ट मैच कैसे कर सकता है, प्राइस कैसे दे सकता है पीबीपी नोटिस के अगेंस्ट में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, बाय क्लिकिंग ऑन ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस बटन होगा, उस पर आप क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, मैचिंग प्रोडक्ट दे सकते हैं और प्राइस भी दे सकते हैं जो भी आपके पास में नोटिस आया है किसी भी बायर का। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, बाय क्लिकिंग ऑन ऑफर प्राइस। डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल एक यूनिक कंडीशन डिस्कस की जा रही है जिसको पीबीपी नोटिस बोला गया है। पीबीपी नोटिस क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में आज चर्चा कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि पीबीपी प्रोसेस स्पेसिफिक डिस्कशन आज का हमारा हो रहा है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते 376। कैन ए सेलर सर्विस प्रोवाइडर पार्टिसिपेट इन ए पीबीपी प्रोसेस मोर देन वंस। क्या कोई विक्रेता सेवा प्रदाता पीबीपी प्रक्रिया में एक से अधिक बार भाग ले सकता है या नहीं ले सकता? यस मल्टीपल टाइम्स, नो ओनली वंस, यस बट विद ए विड्रॉल ऑप्शन, नो अनलेस दे पे एन ईएमडी। क्या कोई विक्रेता या सेवा प्रदाता पीबीपी प्रक्रिया में एक से अधिक बार पार्टिसिपेट कर सकता है? उसने एक बार तो भाग ले लिया, क्या वो एक से अधिक बार भाग ले सकता है उस पीबीपी नोटिस में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, नो ओनली वंस, आपको उसमें नहीं भाग लेना है। एक बार आपके पास में पीबीपी नोटिस आया है तो आपको रिस्पोंड करना होगा, और अगर पार्टिसिपेट नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि आप बार बार या एक से अधिक बार आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं पीबीपी प्रोसेस में, ऐसा नहीं कर सकते। बड़ी अच्छी कंडीशन बताई गई है, सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है बी, नो ओनली वंस। जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज का अगला सवाल देख लेते 377। What is the requirement for PBP participation in terms of EMD and bid securing declaration? EMD और बोली सुरक्षा घोषणा के संदर्भ में PBP भागीदारी के लिए क्या आवश्यकता है? EMD is required, but bid securing declaration is not. Bid securing declaration is required, but EMD is not. Both EMD and bid securing declarations are required. Neither EMD nor bid securing declaration is required. ईएमडी और बोली सुरक्षा घोषणा के संबंध में पीबीपी भागीदारी के लिए क्या आवश्यकता होती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, नीदर ईएमडी नोर बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर ना तो आपको ईएमडी देनी है और ना ही बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन है ये लेनी है, कोई जरूरत इसमें नहीं होगी। अगर आप पीबीपी के माध्यम से माल की सप्लाई देने के लिए, सर्विस देने के लिए राजी हो जाते हैं, कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 378। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सेलर्स रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑफर्स इन द पीबीपी प्रोक्योरमेंट डिसीजन। पीबीपी खरीद निर्णय में ऑफर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक विक्रेताओं की न्यूनतम संख्या क्या है? बिल्कुल ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, और यारो आपको पता है कि आसान क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन अगर हम गलत करके आ जाते हैं तो एग्जाम हाल से बाहर आ करके हमारा चेहरा देखने लायक होता है। पीबीपी खरीद निर्णय में ऑफर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक विक्रेताओं की न्यूनतम संख्या क्या है? 1, 2, 5, 3। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 5 होने चाहिए। आपको यहाँ पर 5-5 ध्यान रखना है, पीबीपी ध्यान रखना है, पीबीपी है उसके लिए 5 लाख रुपए तक की आप बिड दे सकते हैं, 5 ध्यान रखना है, और साथ में 5 बिडर्स होने चाहिए। तो 5 का आंकड़ा है यहाँ पकड़ लेना है, तो निविदा दाता है वो कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए, कम से कम 5 होने चाहिए। तो ये 5 है आपको ध्यान रखना है। अधिकतम आप कितनी राशि तक पीबीपी के माध्यम से खरीदी कर सकते हैं? 5 लाख रुपए की कर सकते हैं।
परंतु निविदा दाता है वो कितने होने चाहिए, कम से कम 5 होने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। तो पीबीपी के माध्यम से खरीद करने के लिए आप 5 जोड़ करके रखिए, आपको याद रखने में आसानी रहेगी। अगला सवाल देख लेते हैं 379। व्हाट विल हैपन इफ ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड पीबीपी परचेज। पीबीपी खरीद में यदि सभी शर्तें पूरी हो जाएं तो क्या होगा। द बायर विल बी प्रॉम्प्टेड टू क्रिएट एन ऑर्डर ऑन L1। द बायर विल बी प्रॉम्प्टेड टू कैंसल द पीबीपी नोटिस। द बायर विल बी प्रॉम्प्टेड टू क्रिएट ए रेगुलर बिड। द बायर विल बी प्रॉम्प्टेड टू वेरीफाई प्राइस रीजनेबलनेस। पीबीपी खरीद में यदि सभी शर्तें पूरी हो जाएं तो क्या होगा, आगे की कार्रवाई क्या होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। द बायर विल बी प्रॉम्प्टेड टू क्रिएट एन ऑर्डर ऑन L1। L1 को आपको क्या करना होगा, ऑर्डर देना होगा, क्योंकि वहां पर पीबीपी के माध्यम से सप्लायर है वो राजी हो गए, उन्होंने आपका ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लिया। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। द बायर विल बी प्रॉम्प्टेड टू क्रिएट एन ऑर्डर ऑन L1। और साथियों देख लेते गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माँ केसर देवी सीरीज पार्ट 19 का अंतिम सवाल 380। व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल वैल्यू अलाउड फॉर द L1 ऑर्डर इन पीबीपी परचेज। पीबीपी खरीद में L1 ऑर्डर के लिए अनुमत अधिकतम कुल मूल्य क्या है, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 लाख। अधिकतम आप पीबीपी के माध्यम से L1 ऑर्डर कितना दे सकते हैं, 5 लाख रुपए तक का दे सकते हैं। परंतु ये भी बताया गया है कि पीबीपी के माध्यम से आप अगर खरीदी कर रहे हैं तो बिडर कम से कम कितने होने चाहिए, 5 बोलीदाता है कम से कम होने चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, आप अधिकतम खरीदी 5 लाख तक की कर सकते हैं और कम से कम बोलीदाता है उस पीबीपी के लिए कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर आधारित क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल अपडेटेड हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, क्योंकि पुरानी परीक्षाओं में भी पूछे गए थे, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। और साथियों अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।